हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के दौरान मुस्लिम महिला का बुर्का उतरवाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला खूब वायरल भी हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे महिला पुलिसकर्मी महिला से बुर्का उतरवा रही है। देखें यह वीडियो जो खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद ने घटना की निंदा करते हुए पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्यमंत्री योगी को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए क्या कहना है राम गोविंद चौधरी का। ये अमानवीय व्यवहार है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं का अपमान उत्पीड़न उनका हो रहा है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई, थाने में बलात्कारी घटनाएं हो जा रही हैं, तो महिलाओं का अपमान, बच्चियों का अपमान, छात्राओं का अपमान, छात्राओं का लाठीचार्ज, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आम बात है। ये इसकी सजा नहीं है, असीमितता से कर सरकार को जानबूझ के कर रही है। सरकार तो जानबूझ के अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है, ईसाइयों के खिलाफ कर रही है, बौद्धों के खिलाफ कर रही है, यहाँ तक हिंदुओं के खिलाफ। वो किसका पक्ष है? केवल भारतीय जनता पार्टी जो अपने अंदरूनी मनसूबे हैं उसको पूरा कर रहा है। कुछ यह मामला ही ऐसा है कि तूल पकड़ना तो लाजमी था, लेकिन पुलिस की इस हरकत से यह साफ जाहिर है कि यह महिला का अपमान है जो कि बेहद ही निंदनीय है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।